बंसी पानी पी सकता है, अशुद्ध पानी नहीं पी सकते। 1879 को तलाब खोला, लेकिन दुख की बात है किसी अशुद्ध को नजदीक आने नहीं दिया। बाबा साहब अंबेडकर ने चर्चा किया हुआ, और बाबा साहब अंबेडकर ने वहां कॉन्फ्रेंस रखा, सम्मेलन रखा, जो सम्मेलन 1820 तक 1927 में पहला सम्मेलन। तब बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि मेरा कोई प्लानिंग नहीं था कि मैंने ये लड़ाई शुरू करनी है, वहां माहौल बनता है और आप हैरान होंगे स्वर्ण जाति के लोग भी साथ हैं उसके अंदर, स्वर्ण जाति के लोग भी साथ हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने साथ लिया जब ये लड़ाई लड़ा 1927 में, और बोलते हैं कि जब ये लड़ाई लड़ा, जब दूसरा दिन आया 20 मार्च दूसरा दिन आया तो कहते हैं हमारे लिए पानी बंद कर दिया। जब पानी बंद किया, एक पैसा घड़े की कीमत थी 40 रुपए का, बाबा साहब अंबेडकर के संगठन ने पानी खरीदा 40 रुपए का पानी 1927 में। क्यों खरीदना पड़ा? उन्होंने सोचा जो कॉन्फ्रेंस में 2500 लोग आया है, बाबा चर्चा किया हुआ है, उसमें 2500 लोग आए, यहां तो 700-800 लोग आए थे, 2500 लोग आए पानी के लिए मारना चाहते थे, कहते पानी 40 रुपए का लिया, एक पैसे का एक खड़ा, खुद देख लो क्या पानी लिया होगा। कहते वो हमारा दिन सफल रहा और हमने सोचा कि अब इसका सेकंड फेज की शुरुआत किया जाए। वो दिन ढूंढा 25 दिसंबर 1927, आज का दिन 25 दिसंबर 1927, और वो 25 दिसंबर पीछे साथियों को बोलो खाने में क्या कर रहे हैं, उनको ठीक हो जाएंगे जाओ ठीक करो, ये कार्यकर्ता क्या कर रहे हैं। तो बाबा साहब अंबेडकर ने 1927 में ये सोचते हैं कि ये जो पानी का आंदोलन है, पानी पीने का, बाबा साहब अंबेडकर पानी का आंदोलन में कामयाब होते हैं और कानूनी लड़ाई में भी कामयाब होते हैं। और तब कहा था कि ये महातलाब की जो क्रांति है, बाबा साहब अंबेडकर ने पानी में आग लगा दी। पानी कहां का कुछ कहने थे बाबा साहब, उन्होंने क्या कहा था, ये महातलाब का आंदोलन नहीं, ये फ्रांस की क्रांति है। बाबा साहब ने कहा फ्रांस की क्रांति है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि मार्टिन लूथर किंग के शहर में फ्लिंट एक जगह है, फ्लिंट जगह है मिसिसिपी में, फ्लिंट जगह है मिसिसिपी में, जहां भुकरिज की एक पाइप थी, जहां से लोगों को साफ पीने का पानी मिलता था, साफ पानी, वो पाइप बंद कर दिया, काले लोगों को पानी नहीं मिलेगा, कहता उन्हें टॉक्सिक वाटर दिया जाता है, काले लोगों को टॉक्सिक वाटर, क्यों कि बच्चे ना वो पानी पिएंगे, बच्चों की बुद्धि का विकास नहीं होगा। ये बाबा साहब अंबेडकर जानते हैं, तो उधर अंग्रेजों ने लड़ाई नहीं लड़ी, काले लोगों ने लड़ाई लड़ी है, और उसमें सबसे पहले भुकर की रिस्ट्रिक्शन है, भुकर की रिस्ट्रिक्शन लड़ाई लड़ता है और ड्यू ऑफ लड़ाई लड़ते हैं पानी की। ये मैं कंपेरेटिव स्टडी कर रहा हूं कि बाबा साहब अंबेडकर ने ये जो आंदोलन लड़ा, और ये लोकतंत्र का आंदोलन था, 1927 में शुरुआत करते हैं और आज के दिन बाबा साहब अंबेडकर मनुस्मृति को जलाते हैं और बोलते हैं कि मनुस्मृति ये ब्राह्मणों ने कानून बनाया है, जिस कानून में हमें गुलाम बनाया है। पढ़ के देखो मनुस्मृति क्या लिखा हुआ है, कि अगर आप किसी ब्राह्मण के साथ बैठे हुए हो, आपके अंदर से हवा निकलती है, आवाज आती है, तो आपके पीछे इतनी लंबी कील जो है काट दी जाएगी, ये मनुस्मृति में लिखा। पहला तो क्या करना चाहिए, मनुस्मृति में लिखा, कभी पढ़ के देखो, ब्राह्मण कितना ईमानदार है, उसने जबानी नहीं आपको गुलाम बनाया, लिखा हुआ है। बाबा साहब ने कहा कि जितने ये धार्मिक ग्रंथ है, ये हमारी गुलामी के दस्तावेज हैं और भारत का संविधान हमारी आजादी का दस्तावेज है, अंतरराष्ट्रीय ये हमारी आजादी का दस्तावेज। तो साथियों आज बार बार बोला जा रहा था कि
पत्थर पे, अमरसर 450 किलोमीटर दूर है, मैं नील पत्थर पे ही बैठ जाऊं क्या पहुंचूंगा? चलना पड़ेगा। बाबा साहब अंबेडकर ने रोड मैप दिया और जिस दिन भारत का संविधान लिखा, नानक चंद्र दत्तू उसका पीए लिख रहा है कि बाबा साहब अंबेडकर बहुत खुश थे और साफ कहा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपको शासक बनाऊंगा, मैंने शासक बनने की चाबी जो है ढूंढ ली है, शासक बनने की चाबी मैंने संविधान लिख दिया है। परंतु ये अछूत अभी 25-30 साल तक शासक नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं है। मैंने चाबी दे दिया, मुझे चाबी दिया, दरवाजा तो मुझे खोलना पड़ेगा। दरवाजा खोलने की बजाय हुआ ये कि हमारे एमपी बने, आज 120 हमारे एमपी हैं, 1000 से ज्यादा हमारे पूरे भारत के अंदर एमएलए है। अरे देश को गुलाम बनाया जा रहा है। हमारी शिक्षा जीरो याद रखना, पहले कांग्रेस ने किया, आज बीजेपी कर रही है। शिक्षा हमारी कहां गई? शिक्षा का निजीकरण कर दिया। और मैंने पिछली बार भी उदाहरण दिया था, हमारे नजदीक एक देश है भूटान, छोटा सा है भूटान, भूटान के राजा के बच्चे लगभग 90s में बड़े होते हैं, बड़े होते हैं तो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल भेजता है। राजा जामनार की है, भूटान का देश, वहां का एजुकेशन सिस्टम कैसा है आप हैरान हो जाएंगे। वो विकसित देश नहीं है। जब राजा के बच्चे पढ़ेंगे बताएंगे आगे सरकारी स्कूल में क्या प्रबंध है। महाराजा के बच्चे जब पढ़े राजा के, आज की तारीख में अगर किसी का बच्चा भूटान में प्राइवेट स्कूल में जाता है, बोलते तेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में है, इसका तो बड़ी खुफिया पढ़ाई कर रहा है। मैं ये बता रहा हूं, भारत का एजुकेशन का बजट जब देश आजाद होता है 3%, 3% आज 70 साल हो गए, एजुकेशन का बजट 3% मूर्तियां बनानी है पटेल साहब की, 3000 करोड़ रुपया खर्च कर दो, जितना मर्जी खर्च कर दो, एजुकेशन इंस्टीट्यूट बनाने हैं कुछ नहीं खर्च करना। भूटान के अंदर एजुकेशन फ्री, सब बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। यहां लोकतंत्र है, लोगों का तंत्र, लोकतंत्र। पहले रामास्वामी नायडू ने तब कहा था कि भारत के अंदर जब लोकतंत्र आएगा, देयर विल नॉट बी डेमोक्रेसी, देयर विल बी ब्राह्मोक्रेसी, शासन ब्राह्मणों के हाथ में होगा। आज की तारीख में इस देश का शासन ब्राह्मणों के हाथ में है, याद रखना। ये जो विषय हमने रखा हुआ है, आपने देखा दो विषय हैं, दो विषय हैं, ये आप हैरान होंगे, ये पहला विषय है कि लोकतंत्र के ऊपर है, दूसरा विषय क्या है, राम मंदिर, राम राज्य का मुद्दा अब धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक मुद्दा है। जो अल्पजन आज ब्राह्मणों का, मूल निवासी बहुजनों पर स्थायी शासक बने रहने का ब्राह्मणी षड्यंत्र है, ये दूसरा विषय है। लोग, मैं हर जगह जाके बोलता हूं, भारत में पीएचडी करने वाले भी लोग नहीं पढ़ते, क्योंकि ज्यादातर हमारे डॉक्टर हैं। ये बाबा साहब अंबेडकर का जलवा है, चमत्कार है, हमारे पास डॉक्टरों की फौज है, हमारे पास डॉक्टरों की फौज है, आगे इसको भी काम नहीं, 10 डॉक्टर डॉक्टरों की फौज लोकतंत्र की वजह से। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि एजुकेशन का सिस्टम जहां से आपको अकल आनी है, आपको पता है बीस कितने मंत्र बन गए दिल्ली में गए 2 साल के अंदर, 1.25 लाख मंदिर दिल्ली के आसपास, तो जानते हैं मंदिर में जाने का अर्थ है आपकी अकल का सत्यानाश होना। और विद्यालय में जाना, विश्वविद्यालय में जाना, बुद्धि का विकास, सब यह अकल यहां आती है। क्यों कहा बाबा साहब ने, यहां लिखा हुआ है, यदि मंदिर में लोग भाग भाता तो मंदिर के पास लोगों को भीख मांगने की नौबत नहीं आती। बाबा साहब कह रहे अगर मंदिर में भगवान होता तो मंदिर के बाद लोगों को भीख मांगने की नौबत नहीं आती।
पूजा कर बैठता फिर आप लोगों को भीख मांगने की आ जाती। मैं ना संघर्ष करता आप लोग भीख मांगते हैं। सो एजुकेशन नॉट ओनली एजुकेशन बट हायर एजुकेशन, नॉट ओनली हायर एजुकेशन बट अब्रोड एजुकेशन, विदेश की पढ़ाई पढ़ो। तो ये आपका जो विषय रखा है, क्योंकि जिसने प्रेजेंट करना होगा उसके लिए मुसीबत होती है, संगठन की बात करना भी, विषय के ऊपर ही बात करना। तो आज की तारीख में जो लोकतंत्र के हालात हैं, खतरनाक हालात है, याद रखना, जो लोकतंत्र के हालात हैं, 2014 में मोदी सरकार जो है चाल देती है, ये बड़ी अहम बात है, और इस तरह के नारे लगाती है 2 करोड़ नौकरियों का निर्माण होगा, 2 करोड़ नौकरियों का निर्माण होगा, आज तक 8 करोड़ नौकरी का निर्माण हो जाना चाहिए था और 5 साल में 10 करोड़ नौकरी जा रही है। और ये ILO की फिक्र है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि भारत के अंदर 4 साल में 15 लाख नौकरियों का निर्माण हुआ, 15 लाख नौकरी, जस्ट इमेजिन हाउ कैन यू गिव डिस्टिंक्शन, क्या करोगे 15 लाख नौकरी। मोदी जी कहते हैं 2 करोड़ नौकरी मिलेगा, 15 लाख नौकरी 4 साल के अंदर। मैं इसलिए बता रहा हूं, वो जानते हैं कि अगर आपकी नौकरी में आता है, हमें अगर आपका लाइन कुर्सियों पर बैठे तो हमारे बच्चे पहले नौकरी हो गए। अरे एक किसी चौक के अंदर जूता काटने वाले ने भी अपने बच्चों को डॉक्टर बनाया, डॉक्टर साहब जानते हैं डॉक्टर भी अपने बच्चे को डॉक्टर नहीं बना सकता, एजुकेशन फ्री में नहीं कर दिया है, याद रखना। श्रीलंका एजुकेशन फ्री, क्यूबा, क्यूबा में जाओ, मैं क्यूबा की हिस्ट्री पढ़ रहा था, क्यूबा के अंदर संसार के सबसे ज्यादा बढ़िया डॉक्टर हैं और उनकी गवर्नमेंट की स्टैंडिंग स्ट्रक्चर है कि संसार में कहीं मुसीबत हो, कहते जब मुसीबत होती है, आपदा होती है, तो क्यूबा के डॉक्टर भागे भागे जाते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूं यहां ये हालत है, कहीं जाके देखो सरकारी हॉस्पिटल, शायद मुर्दा खाना भी ऐसा नहीं है, इतनी बुरी हालत है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि भारत के अंदर जो मुद्दे ही नहीं है उन पर चर्चा हो रही है, जो मुद्दे नहीं है चर्चा हो रही है। अभी आएगा मेरे विषय में राम मंदिर, ये चर्चा का विषय होगा। और मैं जब भी जाना हो रहा हूं भारत के अंदर हर रोज 7,000 लोग भूख के कारण मर रहे हैं, 7,000 लोग भूख के कारण मर रहे हैं। और इधर क्या हो रहा है, मंदिर बनाओ, चर्चा करो, बॉर्डर पे हमारे लोग मर रहे हैं, अरे 7,000 लोग मर रहे हैं, 1 मिनट में एक दुर्घटना होती सड़क के ऊपर, 1 मिनट में एक व्यक्ति मरता है, 60 मिनट में 60 लोग दुर्घटना से मर जाते हैं। पॉल्यूशन, 5 लाख से ज्यादा लोग पॉल्यूशन से मर रहे हैं और कह रहे हैं पॉल्यूशन के कारण जो दिल्ली में बच्चा जन्म लेता है, कहते हैं जन्म लेते ही वो रोज 10 सिगरेट पी रहा है, 10 सिगरेट। मैं बता रहा हूं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस गवर्नमेंट, सरकार की कारगरी क्या है, हमें चिंता है, हम बोलते हैं अगर सड़कें अच्छी नहीं है, मंदिर में हाथ जोड़ने से सड़कों को ठीक करने वाला नहीं है, आप पे झूठा पकड़ना होगा इनको समझाने के लिए, सलाह सड़क नहीं बन रही, हमारी हेल्थ ठीक नहीं है, भारत की 70% जो महिलाएं हैं वो अनीमक हैं, अनीमक खून की कमी, जिस महिला के खून की कमी है जब वो बच्चे को जन्म देगी बच्चा कैसा होगा आप खुद बता दो। ये लोकतंत्र के अंदर काम हो रहा है, बाबा साहब अंबेडकर की क्यों चिंता है, मैं पढ़ रहा था बाबा साहब अंबेडकर की पुस्तक व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अंडरटेकर, कांग्रेस ने गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया, ये 1946 में पुस्तक लिख रहे हैं और 1946 में क्या चर्चा कर रहे हैं, कहते हैं ये पूछ रहे हैं वो क्या कह रहे हैं कि जब जिस लड़ाई को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने शुरू किया, क्या
इस आजादी की लड़ाई में विल द इंडिपेंडेंट फ्री, क्या देश आजाद होगा कि देश के लोग आजाद होंगे? बढ़िया बात है, विल इंडिया भी फ्री और इंडिया भी फ्री, भारत की सरहदें आजाद होगी या भारत के लोग भी आजाद होंगे? और चिंता का है, मुझे लगता है भारत देश के लोग आजाद नहीं होंगे, ये कुछ ब्राह्मण जो है यही इस देश के शासक होंगे। ये चर्चा बाबा साहब अम्बेडकर 1940 में कर रहे हैं, 1940 में ये चर्चा कर रहे हैं। तो साथियों, आज स्पेशली बार बार बोला जा रहा है कि ये जो मोदी साहब का जो शासन है, इस शासन के अंदर जो 4.5 साल के अंदर हुआ, थोड़ी सी मैं चर्चा करके, क्योंकि बार बार आ रहा है कि हमारे जो मूलवासी बहुजन हैं, ये दुश्मनों की अत्याचार बर्दाश्त कर लेते हैं लेकिन भूख बर्दाश्त नहीं करते। हालांकि भूख के कारण लोग मरने वाले नहीं, पानी भी हाथ करता पानी ना मिले तो, और आप अगर थोड़ी देर भूखे रहेंगे मरने वाले नहीं है, याद रखना, चिंता मत करिए, बहुत अच्छा प्रबंध किया हुआ है। तो मैं चाहता हूं कुछ बता दूं कि ये सरकार जो है मोदी की सरकार, ये मैं कहता हूं कि आज की तारीख में ये अंबानी और अडानी की गोद में है, अंबानी और अडानी की गोद में है। मेरे पास इसके कुछ थोड़े से प्रमाण हैं, मैं इसको बोल के फिर ये बात करूंगा कि क्या क्या कहूंगा। आप सुन ही रहे हैं राफेल का जो सौदा हुआ है, राफेल हवाई जहाजों का सौदा, जिसकी चर्चा हुई कि सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया। भैया, सुप्रीम कोर्ट ने केस खत्म नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट को भारत सरकार ने जानकारी गलत दिया। वो बार बार कह रहा है राहुल गांधी, 30,000 करोड़ रुपया अनिल अंबानी की जेब में डाल दिया, बार बार चर्चा हुई है। अरे ये पैसा किनका है, याद रखना ये हमारा पैसा है, खा कौन रहे हैं? 9,000 करोड़ लेके भाग गया एक व्यक्ति। ये बता रहा हूं इस तिजोर के अंदर क्या हुआ, फिर क्या है, इधर समुद्र में तेल की खोज का काम ONGC से छीन कर अंबानी को दे दिया, ऑयल नेचर एंड गैस कमीशन तेल निकालने का काम कर रहा है। भारत का सबसे बड़ा सरकारी संगठन जो है वो तेल निकालता है, और मोदी जी हमारा तेल निकाल रहे हैं, हमारा तेल निकाल के उनको दे रहे हैं। सिपाही का संगठन करूंगा ONGC, ये ठेका ऑयल नेचर एंड गैस कमीशन के पास होना चाहिए था, अंबानी जी के पास है। आगे देखो, रेलवे के डीजल की आपूर्ति का काम सरकार को तेल कंपनियों से छीन कर ये भी अंबानी को दे दिया, पूरा देश उनको दिया जा रहा है, अंबानी को, अडानी को, गौतम अडानी को, पूरा देश निलाम किया जा रहा है। आगे कहते हैं रेलवे की बिजली आपूर्ति का काम सरकारी कंपनियों से छीन कर अंबानी और अडानी को दे दिया गया है। सरकारी कंपनी ONGC वर्षद अंबानी कंपनी पर केस चला रहा है। यूपी ने किया मनमोहन सिंह की सरकार ने एक केस किया, क्योंकि यूपी की सरकार ने 1,000 करोड़ रुपया जुर्माना किया था अंबानी को। अब ये नई सरकार आई है तो केस ONGC हार गई है, अंबानी जीत गया है और मुआवजा अंबानी को दिया जा रहा है। अरे भैया, 1,000 करोड़ का जुर्माना लगाया और उल्टा अंबानी हमें चुना लगा के चला गया, ये मैं बता रहा हूं आपको, दो मुद्दे बता के करूंगा। और आगे कहता यूपी की कहता स्पेस डेवलपमेंट और सैटेलाइट बनाने का काम इसरो से छीन कर अंबानी की कंपनी को दे दिया है, सैटेलाइट का काम कहता। और प्रधानमंत्री स्वयं संस्कार, स्वयं दूर संचार कंपनी BSNL, ये जो कंपनी है कहते हैं इसको बर्बाद करके सारे का सारा काम जियो को दे दिया है, सारा काम बर्बाद, ये सारे का सारा काम जियो को दे दिया गया है, देख लीजिए। मैं इसलिए बता रहा हूं कि देश को बर्बाद करने का काम आज सरकार कर रही है, देश नीलामी पे लगा हुआ है, हम घरों में आराम से सो रहे हैं, आराम से सोए हुए हैं। और कमाल की बात कहा है, मॉडल तो कितने, इफ यू कैन नॉट फ्लाई
तो साथियों, इसको मैं कंक्लूड करते हुए आपको आखिर में एक बात कहूंगा कि जब ये सरकार बनती है तो बार बार चर्चा हो रही है कि गौ हमारी माता है। ये कंक्लूड करूंगा मैं आपसे, गौ हमारी माता है और उसमें एक आज कुछ गोकशी है, ये सारे के सारे ब्राह्मण कर रहे हैं। ये गोकशी कौन कर रहे हैं? ब्राह्मण कर रहे हैं। सारे के सारे जो गोकशी का काम ब्राह्मण कर रहे हैं, तो मेरे पास ये आंकड़े हैं आपको बताना चाहता हूं। संसार के अंदर गाय का पाठ जो है सबसे ज्यादा भारत काट दिया है। दो देश गाय को काट के इस देश की मोदी सरकार ब्राह्मणों की सरकार कहती है गौ हमारी माता है और गोकशी करके सबसे ज्यादा गाय का मांस काट के ये बाहर भेज रहे हैं और बहराम किया ये मुसलमान कर रहे हैं। अब मैं बताना चाहता हूं कि गौ का मांस कौन काटता है, कौन भेजता है, सबसे ज्यादा कहां जाता है। और नंबर वन कि कहते हैं कि गौ हत्या और सबसे ज्यादा बड़ी जो खबर है अल कबीर प्राइवेट लिमिटेड तेलंगाना। तेलंगाना में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने 400 एकड़ जमीन दिया। किसको दिया? हैरान होंगे, सतीश सकरवाल को। सतीश सकरवाल फर्म का नाम क्या? अल कबीर। लगेगा ये तो मुसलमानों की है। अल कबीर नाम की फर्म 400 एकड़ जमीन दिया और अटल बिहारी वाजपेयी ने 40% इसके ऊपर सब्सिडी दिया। 40% सब्सिडी। 1000 गाय तेलंगाना के रोज काटती है, 1000 गाय सबरवा कटवाता है, एक साल के अंदर 3,65,000 गाय का कत्ल होता है, सबरवा कर रहा है। वो कहते हैं गाय का कत्ल मुसलमान कर रहे। और आगे आगे क्या है? अल्लू। अल्लू ये उत्तर प्रदेश में अल्लू एक्सपोर्ट लिमिटेड कहते हैं 35 देशों में इसका माल जाता है। 35 देशों में इसका माल कौन है? स्ले सूल। फिर अरेबियन एक्सपोर्टर मुंबई, इसके मालिक का नाम क्या? सील कपूर। ज्यादातर पंजाब के खत्री है, ये खत्री बोलते हैं, पंजाब के खत्री है जो काम कर रहे हैं। और आगे एम के एक्सपोर्टर फ्रॉम दिल्ली मदन हैबर, एओबी एक्सपोर्ट, ओपी अरोड़ा स्टैंडर्ड फ्रोजन एक्सपोर्टर, इसका मालिक है गोपाल वर्मा। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि बदनाम किया जा रहा है। और आप खास हैरान होंगे, जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो अमेरिका में जब इन्होंने गाय का मांस खाया, बीफ खाया, तो किसी ने कहा कि वाजपेयी जी आप ब्राह्मण हो तो आप गाय का मांस खा ले, चिंता कुछ करो, ये गाय भारत में थोड़ी गाय है, ये गाय तो अमेरिका की गाय है, इसका मांस खाया जा सकता है। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि साथियों, ये सरकार जो कुछ कर रही है तो इसके अंदर, इस लोकतंत्र के अंदर अगर हमारे लोग सोए रहेंगे तो मैं ये नहीं समझता कि हम कुछ कर पाएंगे। शासक बनने के लिए हमारे पुरखे ने रास्ता दिखाया, चलना हमें है, हम घरों में नहीं बैठे रहेंगे। और ये सबसे बड़ा काम पढ़े लिखे लोग जो हैं अपनी बुद्धि को अगर वो इस्तेमाल करेंगे, समय में से समय निकाल, हमने तो जान की बाजी लगाई थी काम कर रहे हैं, पर हम चाहते हैं कुछ और कार्यकर्ता पैदा होंगे, कुछ और चंद लोग हमारी महिलाएं पैदा हो तो ये हमारा काफिला आगे बढ़े। मैंने बहुत कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें भी वो छोड़ दी है। मैं सोचता हूँ हो सकता है अगले सेशन में करो, लोकतंत्र हो तो उसमें जुडिशरी जो है, न्यायपालिका जो है, अगर वो आजाद होगी तो आपको न्याय मिलेगा। मैंने एक दृष्टांत देखा, मेरे पास एक पुस्तक है, पास ये रख देते हैं, एक पुस्तक तीन चार दिन हुए, एक पुस्तक इसका नाम है सुप्रीम डिस्पर। ये एक महान व्यक्ति है जिसने ये पुस्तक जो है लिखी है, अमेरिका का लेखक है। वो कहते मैंने 116
लोगों के चरित्र थे। इसमें एक उदाहरण दिया है, कहते हैं जब पाठक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था तो कहते हैं कि मुझे उसने बताया कि एक दिल्ली हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है, मैं नाम नहीं लूंगा, उसको जज बनाना था। तो कहता मेरा दोस्त बोलता है इसको जज मत बनाना, ये मेरा पड़ोसी है, इसने मुझे धमकी दिया है कि मैं तेरे कुत्ते को मार दूंगा। सुप्रीम कोर्ट का जज कह रहा है तेरे कुत्ते को मार दूंगा, ये मुझे कहा है तेरे कुत्ते को मार दूंगा। सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे उदाहरण है। मैं समझता हूँ कि आज का सेशन यहाँ इसका समाप्त किया जाए। अगले सेशन में फिर से चर्चा के बहुत